देखिए दोस्तों, मैं शॉपिंग कर लिए हैं। ये शर्ट का कपड़ा है दोस्तों, ये बिस्तर है, और ये फुल पैंट का कपड़ा है, और ये मेरा सूट पीस है, और ये भी सूट पीस है, और ये चुनरी है दोस्तों। देखिए, मुझे अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा दोस्तों मेरा ड्रेस? आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसा लगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी को परमिला कुमारी ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, मैं सुबह में रोपा रोप आ गए थे, आप लोग को बताए थे कि मुझे कहीं जाना है। आप लोग को पता चल जाएगा लोकेशन से कि मैं कहाँ जा रही हूँ। देखिए रेडी हो गए हैं, पर्स भी टांग लिए हैं दोस्तों। अब मैं निकलती हूँ क्योंकि बहुत धूप भी है हमारे घर तरफ, तो छाता ले लिए हैं। अब जा रही हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ। अब निकल रही घर से दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरे पापा बीन लेते आ दे रहे हैं। हम गमला लेके नीचे बाहर बैठ गए हैं। अब इधर ही से जाएंगे हम। देखिए दोस्तों, मेरे पापा भी बहन ला दी है, इसको प्रात में ला दी। देखिए ला दी, अब ले जाती हूँ माथा मलगा के। देखिए दोस्तों, मैं अब निकल गए घर से, अब रोप के आते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, मेरा मम्मी खाना बना रही है अभी, और मैं रोपने जा रही हूँ क्योंकि मम्मी नहीं सकती है ज़्यादा। देखिए दोस्तों, इधर से जाएंगे खेते खेत पूरा आरे आर पहुंच जाएंगे उस मंदिर पास, रोप के फिर आ जाएंगे। देखिए किस तरह सुबह का मौसम कितना सुहाना लग रहा है दोस्तों। अब जाती हूँ, देखिए मेरा रास्ता है। धूप उगेगा दोस्तों, रोज दिन धूप उगता है पानी का सीजन में। देखिए हम लोग, ये नहर है, इसे पानी नहीं बहता है, इसमें इतना पानी बहता है कि आदमी बह जाएगा, उतना पानी बहता था। बट अब कुछ नहीं, इस बार पानी का काल आ गया है, काल। कि दोस्तों, मैं अपना खेत पहुंच गई अभी। देखिए दोस्तों, पांच आटी घट रहा था, इतने ही सब बच गया था कल। इसको रोप के जल्दी से चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पापा यहीं से पानी पटाए थे। देखिए पूरा तालाब सूख गया है। देखिए देखिए, जमीन का नीचे दिख रहा है एकदम फटा फटा हुआ धरती। इतना बड़ा तालाब था, पूरा पानी ऊपर तक रहता है दोस्तों, सभी को पटा पटा के सुखा दिए। देखिए मेरा खेत पूरा रोपा गया था कल, बीन घट गया था, इसीलिए अभी मैं लेके आई हूँ। जल्दी से फटाफट रोपती हूँ, फिर जाना है घर। घर से फिर मुझे जाना है दोस्तों कहीं, आप सभी को बताते हैं। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों पूरा फाइनल ख़त्म कर दिए मैं अपना रोपा। देखिए इतना सा बचा हुआ था मेरा, पूरा हो गया रोपा। देखिए पूरा अगल बगल में नहीं रोपाया है, बट हम लोग पटा के कल रोप लिए हैं। अब घर जा रहे हैं, देखिए प्रात ले लिए हैं, घर जा रही हूँ दोस्तों। देखिए मैं निकल गई।
देखिए दोस्तों, मैं खेत से निकल के पहुंच गई आधा रास्ता। मैं घर अब पहुंच जाऊंगी। देखिए मेरा घर दिख रहा है आप सभी को, सामने आ गए। काफ़ी दूर है थोड़ा खेत से। जल्दी से मैं रोप के अब जा रही हूँ घर। पानी आता है जीवन रखने के लिए थोड़ा बहुत, उसके बाद चला जाता। खेत कभी भरता ही नहीं है पानी से। देखिए दोस्तों, मैं अभी घर आए तो मेरा बैल को ले गए हैं मेरे पापा जंगल पास घुटने के लिए, क्योंकि वहाँ से ले जो चराने के लिए जाते हैं वो ले जा देते हैं। अभी देखिए गंदा, इसको जल्दी से मैं साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होंगी क्योंकि मम्मी खाना बना रही है अभी, तो बैल के पास वाला नहीं साफ कर। देखिए दोस्तों, पूरा साफ कर दिए। अब दिन भर में पूरा सूख जाएगा, उसके बाद शाम को बैल आएगा तब यहाँ हम लोग घुटेंगे। अब जाती हूँ घर। दोस्तों मैं घर से अब निकल गई, अब जा रही हूँ क्योंकि भाड़ा गाड़ी से मुझे जाना है। छता छतका लेते हैं दोस्तों, बहुत धूप लग रहा है। देखिए अभी 9 बज गया है, इतना कड़ा धूप कर दिया है दोस्तों। अभी मेरा रोड थोड़ा दूर में है, अभी रोड निकलना पड़ेगा अपने गली से, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी मिलेगा। फिर वहाँ से बैठ के मैं चले जाऊँगी पतरातू दोस्तों, वहाँ से फिर मुझे गाड़ी मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं रोड पहुँच गई, चौराहा मेरा रोड का, यहाँ पे गाड़ी मिलता है। अब गाड़ी आएगा तो बैठ के और जाएंगे दोस्तों। पहुंच गए देखिए अपने घर से उतना दूर से। दोस्तों मैं सुबह से पहुंच गई अभी रामगढ़। देखिए रोड क्रॉस, चश्मा दुकान पहुंच गए दोस्तों। देखिए यही अंकल मेरा चश्मा बना देंगे, थोड़ा सा ढीला होता है उसको टाइट कर देंगे। दोस्तों मैं चश्मा दुकान से निकल गए, अभी चश्मा टाइट करवा लिए। अब जा रही हूँ मैं बैंक अभी। हेलो दोस्तों, देखिए मैं बैंक आ गई हूँ, रामगढ़ बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। अभी देखिए अंदर जा रही हूँ दोस्तों, उनको लगता है मोबाइल के अलावा नहीं होगा, मुझे तो डर भी लगता है। और देखिए बाहर का मतलब कुछ होता है दोस्तों, दुकान वगैरह है। देखिए बैंक ऑफ इंडिया हम आ गए हैं। देखिए ये गेट है, और अंदर में मैं ब्लॉग नहीं बना सकते दोस्तों, इसीलिए मैं अंदर जा रही हूँ। अभी बोले हैं कि इसमें पैसा डालने के लिए, उसके बाद मेरा पासबुक ऑन होगा दोस्तों। जा रही हूँ नीचे ATM में डालने के लिए। उसके बाद फिर ऐसे एक फॉर्म होता है दोस्तों, बोल दिए मैम कि फॉर्म भर लेना और जमा कर देना अपना प्रूफ के साथ। तो अभी मैं फोटोकॉपी करवा ली हूँ और बैंक में पैसा डालने के लिए दे दिए। देखिए वहाँ भीड़ अभी है। अभी बोले हैं कि 500 पैसा डालने के लिए, उसके बाद फिर खाता चालू होगा दोस्तों। अभी मैं पैसा डलवा रही हूँ, अभी भीड़ है। देखिए फोटो कॉपी करवा ली है, तब उसके बाद बैंक ऊपर में जाएंगे दोस्तों, आप लोग दिखाएंगे। आप चलती हूँ। देखिए दोस्तों मैं बगड़िया आ गए हूँ कपड़ा शॉप के लिए है दोस्तों। देखिए अभी मैं प्रवेश कर रही हूँ अंदर की ओर।
देखिए दोस्तों कितना गाड़ी लगा हुआ है अभी। देखिए दोस्तों अभी एक सहेली से मिले, वो कपड़ा खरीद के निकल रही थी दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ। देखते हैं, देखिए बेबी लोग को कितना सुंदर ड्रेस है दोस्तों। देखिए अब तो सेल इतना दूर नहीं है, अभी तो खाली है बगड़िया। देखिए दोस्तों कितना भीड़ हो गया है। ये तो सुनवा नीचे उठा दिया था हमको, यहाँ रखे ले लिए हैं। अब मैं घर की ओर निकलती हूँ दोस्तों, अब घर जा रही हूँ। देखिए दोस्तों थोड़ा सा खाने के लिए आ गए हम लोग, चाउमीन कितना सुंदर बनाया है भैया, और ब्रेड देखिए, चाउमीन और अंडा रोल भी खाए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। देखिए खा रहे हैं, भूख लग गया था सुबह के, खा लिए दोस्तों। अब मैं निकलती हूँ घर के लिए, अभी चाउमीन और अंडा रोल खा लिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्ट मस्त लगा। राखी खरीद लिए हैं, हेलो दोस्तों। देखिए मैं अभी रामगढ़ से पहुंच गई घर दोस्तों, अभी पूरा दिन भर परेशान हो गए धूप में। देखिए अभी मैं कहाँ पहुंची हूँ, शाम 5:30 बज गया दोस्तों। अब जल्दी से फ्रेश वगैरह होती हूँ, आप लोग को दिखाते हैं मैं क्या क्या खरीदे हूँ तब तक। देखिए दोस्तों आज मैं शॉपिंग किए हैं, आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग किए हैं रक्षाबंधन के लिए दोस्तों। देखिए सूट लिए हैं, सूट का पीस लिए हैं दोस्तों, आप सभी को दिखाते हैं, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मुझे उतना अच्छा से नहीं आता है कपड़ा खरीदने के लिए दोस्तों, जैसा मन करता है वैसा ले लेते हैं। देखिए ये दोस्तों ये चुनरी है, देखिए ओढ़ के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है पूरा चुनरी दोस्तों, अच्छा लगा हमको इसलिए ले लिए। और देखिए दोस्तों सूट पीस है, ये सूट पीस है आसमानी कलर में लिए हैं, क्योंकि मेरे पास आसमानी सूट बहुत पहले पहने थे दोस्तों। उसके बाद देखिए एक ये लिए हैं ऑरेंज कलर का, ये कैसा लग रहा है दोस्तों देख के बताइए। देखिए ये ऑरेंज लिए हैं और ये आसमानी कलर में लिए हैं दोस्तों। और देखिए अपने पापा के लिए मैं ले दिए हैं फुल पैंट कपड़ा दोस्तों, नेवी ब्लू में है और ये हल्का आसमानी में है दोस्तों। और देखिए एक बिस्तर भी लिए हैं, बेडशीट देखिए दोस्तों, इतना सारा शॉपिंग किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं, केवल कपड़ा ही लेने के लिए मैं गई थी दोस्तों, अपना लिए और एक अपने पापा के लिए ले दिए हैं और अपना बिस्तर ले लिए दोस्तों। कैसा लगा था ड्रेस मेरा आप सही बताइए दोस्तों कमेंट में। देखिए दोस्तों कैसा लगा सिलना, कपड़ा पूरा बन जाने के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, शरीर में खिलता है, अभी पता नहीं चलेगा कि कैसा लगेगा, बट सिलाने के बाद पूरा फिनिशिंग बन जाने के बाद
अच्छा लगेगा। मैं खुद से सिलती हूँ दोस्तों, एक सेट सिलेंगे रक्षाबंधन में और दूसरा सेट कर्मा में सिलूंगी अपने से, जब मन करे तब सिल लेती हूँ दोस्तों। सिलने का कोई टेंशन मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं सिलाई नहीं जानती थी तो दूसरे से सिलवाते थे।